हमारे साथ आज बातचीत के लिए खास मेहमान हैं प्रताप सोमवंशी जी। प्रताप जी पत्रकार हैं और अखबार के लिए नियमित कार्य करते हैं और इसके अलावा विभिन्न अखबारों में रहते हुए उन्होंने खूब गहरी लंबी पत्रकारिता की है, लेकिन उनका एक अलग परिचय ये भी है कि वो कवि भी हैं और हाल ही में उनका एक कविता संग्रह प्रकाशित हुआ जिसका दूसरा संस्करण भी बाजार में आ गया है। प्रताप जी से बातचीत के दौरान एक बहुत दिलचस्प ये बात पता चली कि किस तरह से ट्विटर और फेसबुक जैसे माध्यमों का उपयोग कविता के और शायरी के प्रचार के लिए हो रहा है। प्रताप जी वेब दुनिया में आपका स्वागत है। नमस्कार। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि नियमित पत्रकारिता कर्म के साथ ही साथ अपनी शायरी और कविता को परवान चढ़ाना कितना आसान या कठिन? देखिए, मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे अपना परिचय लिखा है कि पोएट्री एंड न्यूज आर माई टू आईज। एक मुझे दोनों से दुनिया देखते हैं, एक दुनिया खबरों के जरिए आती है, एक दुनिया संवेदना की चेतना से आती है, दोनों मिलती है, दोनों एक दूसरे को मदद करती है। आप किसी का दुख देखते हैं तो एक कवि की नज़र से देखते हैं, होती खबर है लेकिन तो आप उसके दूसरे हिस्से तीसरे हिस्से को देख लेते हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों चीज़ें अगर हम मिला के देखें तो ज़्यादा बेहतर तरीके से देख सकते हैं और कहीं ना कहीं हर पत्रकार के भीतर एक कवि होता है तो उस कवि को विस्तार मिलता है। तो मैंने थोड़ा विस्तार कर दिया तो कुछ कविताएं हो गई, फिर मैंने किताब बना दी। आपने पत्रकारिता और कविता को तो जोड़ा है और बहुत सुंदर तरीके से अपनी दो आंखें माना है और दोनों ही आंखों की जरूरत है दुनिया को पूरी तरीके से देखने के लिए। वैसे ही आपने पुरातन और आधुनिक माध्यम को भी जोड़ा है, मतलब प्रिंट उतना पुरातन नहीं है लेकिन कहा जा रहा है कि प्रिंट का जमाना चला गया है, लोग किताबें कम पढ़ते हैं, लोग सब फेसबुक ट्विटर पे लगे रहते हैं, लेकिन आप ट्विटर पे भी उतने ही सक्रिय हैं जितना कि आपने खूबसूरती से अपने काव्य संग्रह को प्रकाशित करवाया। तो ये प्रिंट और डिजिटल का क्या साम्य है? आप देखिए, हम जैसे मीडिया के विद्यार्थी के तौर पे अगर देखें तो हम ये पढ़ते आए कि जब रेडियो का चलन हुआ तो जमाने में कहा जाता था कि अब कैसे अखबार बंद हो जाएंगे, लेकिन विस्तार हुआ। जब टेलीविजन आया तब भी कहा गया अखबार जाएंगे, विस्तार हुआ। इंटरनेट आया तो विस्तार हुआ। तो ये विस्तार सिर्फ समाचारों का नहीं है, विस्तार विचारों का भी है, विस्तार रचनात्मकता का भी है। अब ये हो सकता है कि अखबारों में आपको साहित्य के पन्ने न दिखाई पड़े लेकिन बजरिए इन समाचार ये जो माध्यम है इनसे विस्तार मिलता है। आज स्थिति है, आपको फूल पे अगर शेर पढ़ने का मन है, आप ट्विटर पे खाली फूल शेर दो चीज हिंदी में लिख के अगर डाल दें तो आपको 2-3-4 हजार शेर मिल जाएंगे और भले उसमें आपको बहुत कूड़ा मिले लेकिन सवाल ये, अगर आपने खिड़की खोली है तो कीड़े भी आएंगे, खिड़की खोली है तो हवा भी आएगी। तो ये आप पे रखता है कि आप जाली लगा लें और एक अच्छी ताजी हवा को महसूस करें। तो एक इतने बड़े माध्यम ने हमको सुविधा दी, एक बड़ी खिड़की खोली है पूरे फलक पे जिससे हमने ताजी हवा लेने की कोशिश की है। तो साहित्य सिर्फ अपनी कविता ही नहीं पढ़ती बल्कि आपको पढ़ने का मौका मिलता है, तमाम विश्व साहित्य की चीजें जो आप नहीं पढ़ सकते थे पढ़ रहे हैं, आपको अच्छी लगी, आपने एक नाज़िम हिकमत की कविता आपको पसंद है आपने उसको अनुवाद करके डाल दिया, जाने कितने हजार लोगों ने पढ़ लिया। साहित्यिक पत्रिका में तो कभी एक बार छपती किसी महीने में, वो साहित्यिक पत्रिका कुछ गिनती के लोगों तक पहुंचती, गिनती के लोग उस पेज तक पहुंचते या नहीं पहुंचते, लेकिन यहाँ तो आपने डाल दिया, हमेशा के लिए हो गया। अब मैंने उसको स्नैपशॉट बनाया और मुझे अपने दोस्त को भेजना था जो कि ट्विटर पे नहीं है, तो मैंने उसको व्हाट्सएप पे भेज दिया। उसने व्हाट्सएप पे जब ले लिया तो उसको ये लगा कि यार मेरे जो दोस्त हैं इसको फेसबुक वाले वो भी इसको देख लें, तो उसने उस स्नैपशॉट को उसने फेसबुक पे शेयर कर लिया। और ऐसे घूमते घूमते आप देखिए सारे माध्यम में एक दूसरा आदमी उसका जो माध्यमों के भीतर अंतर प्रसार कर रहा है, यानी साहित्य को जो असली सेनानी है वो सारे लोग उसका एक दूसरे से विस्तार करते चले जा रहे हैं। तो इस तरह आप देखें तो अनुपातिक तौर पे आपको देखने को मिलेगा, अगर इसको आप पूरा एनालाइज करें तो मिलेगा आप एक एक कविता 1-1 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख लोगों तक पहुंच रही है। पहले ये पत्रिकाओं में छपती थी, तो हम हिंदी की पत्रिकाओं की बात करें तो 500 छपती थी, 200 छपती थी, कभी छपती थी नहीं छपती थी। साहित्य अखबार में माना जाता था कि साहित्य कम पढ़ा जाता है इसलिए नहीं था, लेकिन ये जो लाखों पाठक आए हैं इन लाखों पाठकों ने कहीं ना कहीं हम लोग जो बहुत नियमित लेखक के तौर पर नहीं है, हम लोग जो अखबार की नौकरी करते हैं और अपने मन से जो चीजें बन पाती है उसको लिख देते हैं, तो मुझे लगता है मेरा बहुमत है इस तरह की जमात बहुत है तो उन सबको शक्ति मिलती है इस काम से। तो हम जो बात कर रहे थे प्रताप जी कि कैसे दो ट्विटर हैंडल ऐसे हैं जो हैशटैग ऐसे हैं जो शायरी को और कविता को एक साथ गंगा जमनी धाराओं को, तो आपने इलाहाबाद के संगम को वेब दुनिया के लिए कवर किया है और अब आप ये शायरी और कविता का संगम देख रहे हैं ट्विटर पे। जी हाँ, और साहित्य और कविता का संगम इसलिए हाथ से भी है जयदीप जी कि ये जो संगम है बाकायदा इसी नाम के साथ है कि राणा सफी जी एक शायर नाम का एक थ्रेड है वो चलाती हैं और काव्या एक नरपति पारिक हैं। हम दो नाम ले रहे हैं, हालांकि इस दो नामों के पीछे बहुत सारे नाम हैं
लेकिन दो नाम प्रतीक में जैसे आप कोई कतार लगाएंगे तो कोई आगे खड़ा होगा, तो ये दो लोग, ये दोनों लोग मिलके हिंदी की तरफ से और उर्दू की तरफ से ये लोग सही में गंगा जमुनी तहजीब की नुमाइंदगी करते हैं। 16 दिसंबर को उन्होंने तय किया कि मेरी कविताओं को, मेरे शेरों को ट्वीट करेंगे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने सोचा कि मेरे शेरों को, मैं तो उतना नियमित किस्म का कवि नहीं हूँ कि जो बहुत पहचाना जाता हूँ, तो आखिर मेरे शेरों को कहाँ से बुलाएगा कौन, कितने ट्वीट करेंगे। तो 16 दिसंबर को उन लोगों ने ट्वीट किया और ट्विटर पे जब दोनों तरफ से ट्वीट किए तो दिन में एक ऐसा वक्त आया कि वो ट्रेंड रिपोर्ट आई कि 484,000 लोग एक साथ डिस्कशन कर रहे हैं, 10,000 से ज़्यादा बार अलग अलग शेरों को जैसे रिसाइकिल करके वो कोई दे रहा है, कोई उसको एनालाइज कर रहा है, कोई टिप्पणी कर रहा है और इतने सारे लोग। तो मेरे पास ये लगा, और बाद में जो मेरे पास जानकारी थी कि किताब अगर 90 दिन में पहला संस्करण हिंदी की कविता की किसी पुस्तक का खत्म हो गया तो मैं उसमें अपनी कविता की जो श्रेष्ठता है उसको तो मैं किनारे रखता हूँ, लेकिन मैं ये जो समूह में है कि उन छोटी छोटी बातों को लोगों से जोड़ना, लोगों तक पहुँचाना, लोगों को लगा कि अपनी बात है और अपनी बात इतने विस्तार से पहुँच गई तो मुझे ये लगा कि वो मेरे लिए तो अच्छी बात है ही है, ये कहीं ना कहीं हर उस नए लिखने वाले को शक्ति देगी। और जो बहुत दिनों से छुप छुप के डायरी में मेरी तरह लिख के रखे रहते हैं और सोचते हैं कभी छपवाएंगे, तो वो भी अगर छपवाएंगे तो उनको भी शक्ति देगी कि हाँ ये चीजें अगर आप करें तो इन नए माध्यमों के साथ जुड़ के एक कविता का जो आदि माध्यम है, कहते हैं मनुष्य ने सबसे पहले गान सीखा, सबसे पहले काव्य सीखा, बोलने का जो की यात्रा है वो गान से है, बोलने की यात्रा कविता से है। तो अगर मनुष्य क्या जो वियोगी होगा पहला कवि और वहां से ऊर्जा होगा गान, तो वहां शुरू होता है। तो जो सबसे नया माध्यम है, दोनों को जो आप कह रहे थे कि गंगा जमुनी संगम, तो गंगा जमुनी संगम भाषा के स्तर पे है, तकनीक के स्तर पे है, विचार के स्तर पे है, संवेदना के स्तर पे है और दुनिया के स्तर पे है कि अलग अलग देश से इकट्ठे होते साथ कि एक रात एक शेर पे सारी दुनिया बात कर रही है। ये बहुत खूबसूरती है। तो दरअसल साबित ये होता है कि माध्यम जो है हम उसको जरूरत से, माध्यम आपके विचारों को प्रवाहित कर सकता है। कालजयी तो विचार है, जब कबीर हुए तो उनके जमाने में या मीर या गालिब के जमाने में या मैथिली शरण गुप्त के जमाने में ट्विटर फेसबुक नहीं थे, लेकिन उनकी कविताओं को, उनकी शायरी को, उनके दोहों को अगर आज इन माध्यमों के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है तो विचार है, वो शब्द है, वो कालजयी है। माध्यम तो कोई भी हो सकता है, कल और नया माध्यम आएगा, लेकिन जो समय के साथ जीवित रहेगा वो शब्द है, वो विचार है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक बात फिर से, हम चूंकि आप वेब दुनिया के शुभचिंतक है, इतने शुरुआती दिनों के साथी हैं, आपकी कुछ पंक्तियां हैं राम और रावण को लेकर, वो कई बार इंटरनेट पर और कई जगह पढ़ने को मिलती हैं, लेकिन लोग ये नहीं जान पाते कि इसके सर्जक आप हैं, तो वो आप ही सुना दीजिए वेब दुनिया के पाठकों दर्शकों को जो ये वीडियो देखेंगे सारा, और इसके माध्यम से हम स्थापित भी करेंगे कि ये पंक्तियां प्रताप जी की हैं। हाँ, मेरे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि मैं 16 बरस बाद भी वेब दुनिया के दफ्तर में हूँ, तो मेरे लिए भले ही साथी सहयोगी कई सारे बदले हुए होंगे, लेकिन कहते हैं ना आत्मा वही है, पेड़ वही है, तो उसके नीचे का जो फल है वही है। तो मैं बहुत अभिभूत हूँ और बहुत कृतज्ञ हूँ। इसके साथ मैं कुछ शेर पढ़ता हूँ जो मैंने कुछ, जो हमारे प्रतीक हैं, जो हमारे धर्म के प्रतीक हैं, जो हमारे पुरातन पात्र हैं, उनके जरिए कुछ बातें कहने की कोशिश है। दो तीन शेर हैं, एक जो सबसे प्रचलित शेर शायद आपने कहीं सुना हो, दशहरे में आप तक होके गुजरा हो, ट्विटर पे, फेसबुक पे और व्हाट्सएप के जरिए, वो शेर ये था कि राम तुम्हारे युग का रावण अच्छा था, राम तुम्हारे युग का रावण अच्छा था, 10 के 10 चेहरे सब बाहर रखता था। क्या बात। शेर यह है कि लोगों ने यहाँ राम से सीखा तो यही बस, लोगों ने यहाँ राम से सीखा तो यही बस, हर शख्स ही सोने का हिरण ढूंढ रहा है। क्या बात है, बहुत सुंदर। यहाँ शेर यह है कि सिंहासन हो, मर्यादा हो, राम भी हो, ये मुश्किल है। सिंहासन हो, मर्यादा हो, राम भी हो, ये मुश्किल है। ओहदा पैसा आ जाने पर रावण भी हो जाता है। क्या बात, ओह गहरी बात। और आखिरी शेर इसमें पढ़ता हूं कि लक्ष्मण रेखा भी आखिर क्या कर लेगी, लक्ष्मण रेखा भी आखिर क्या कर लेगी, सारे रावण घर के अंदर निकलेंगे। ओहो हो, तो बाहर आप रेखा खींच भी लेंगे तो क्या। तो ये कवि का मन है, ये शायर का मन है, ये हिंदी का उत्सव है, ये हिंदी
कि कविता का उत्सव है जिसमें प्रताप सोमवंशी जैसे पत्रकार जो अखबार की नियमित पत्रकारिता और वरिष्ठ स्थानीय संपादक जैसे ओहदे की जिम्मेदारी को निभाते हुए भी अपने लेखन कर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी कविता को आगे बढ़ा रहे हैं। ट्विटर पर उनकी कविताएं, शायरी और पंक्तियां लगातार ट्वीट भी होती हैं और उनकी किताब के पहले संस्करण का इतनी जल्दी बाजार में हाथों हाथ ले लिया जाना, ये साबित करता है कि आपके अंदर जो बीज है कविता का, सृजन का, वो जब बाहर आकर फूटता है तो कितनी हसीन कलियां और गुल उसमें से खिलते हैं और लोग उसकी, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि दूसरा संस्करण भी जल्दी ही लोगों तक पहुंचे और तीसरे संस्करण की भी जल्द बारी आ जाए और कई संस्करण आपके छपे और नई कविता संग्रह भी आए। और ये जरूर कहना चाहता हूं प्रताप जी से इस बात को विराम देते वक्त कि प्रताप सोमवंशी जैसे ही कई और नाम हैं जिन्होंने वेब दुनिया की इस ऐतिहासिक यात्रा में अपना योगदान दिया है और वेब दुनिया जहां कहीं भी है, जो कुछ भी है, इन लोगों के योगदान से है। और हम उम्मीद करते हैं कि डिजिटल माध्यम पर भाषाओं का परचम फहराने वाली वेब दुनिया इन सभी शुभचिंतकों की शुभकामनाओं के साथ इस यात्रा को निरंतर आगे बढ़ाती रहे। प्रताप जी आपका धन्यवाद।